हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज, ठीक है, द स्टोरी ऑफ अमृता की एक्सरसाइज, ठीक है। उसमें हमने ट्रू फॉल्स तक कर लिया था, आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका फर्स्ट फिलअप है, खिजड़ी विलेज कोट इट्स नेम फ्रॉम द डैश ट्रीज दैट ग्रू देयर। मतलब खिजड़ी विलेज का जो नाम था उसको तब क्यों मिला, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसके ट्रीज ग्रू करते हैं, उगते हैं, खेजड़ी के, ठीक है। सो फिलअप में आएगा खेजड़ी। नेक्स्ट है, पीपल लिविंग इन खेजड़ी आर कॉल्ड डैश। जो लोग खेजड़ी विलेज में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, विश्नोईस, ठीक है। चैप्टर में पढ़ा था कि खेजड़ी विलेज के जो विलेजर्स थे उनको हम विश्नोई के नाम से जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट्स डैश। बिश्नोई जो आपकी कम्युनिटी है, ठीक है, वो क्या प्रोटेक्ट करती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यही हमने पढ़ा था कि जो खेजड़ी विलेज के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे टूवर्ड्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उनको बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, द किंग लर्नड अबाउट विलेजर्स डैश फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स व्हेन ही विजिटेड द विलेज। बोला राजा को विलेजर्स के बारे में, उनकी जो रिस्पेक्ट थी ट्रीज और एनिमल्स के बारे में, जब उसने उस गांव में विजिट किया तब उसको पता चला, ठीक है। सो फिलअप में आएगा आपका रिस्पेक्ट, ठीक है, आदर, ठीक है। पेड़ों और एनिमल्स के प्रति जो लोगों का आदर था वो उसको विलेज में विजिट करने के बाद पता चला। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज डैश द किंग ग्रेटली। बोला गांव वालों की जो फीलिंग्स थी ट्रीज के प्रति, ठीक है, उसको जो राजा को बहुत ज़्यादा क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, ठीक है। तो द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको अफेक्ट किया कि क्यों, कैसे लोग जो हैं वो ट्रीज़ के प्रति इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं, कैसे उन्होंने अपने ट्रीज़ को बचाने के लिए अपनी ही जान गंवा दी, ठीक है। नेक्स्ट है, द बार्क ऑफ खेजड़ी ट्री इज़ यूज फॉर मेकिंग डैश, ठीक है। खेजड़ी ट्री की जो बार्क है, जो छाल होती है, उससे हम क्या बनाते हैं, मेडिसिन, दवाइयाँ, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है आपने, तो कॉलम ए में आपको कुछ सिटीज़ के नाम दिए हैं और बी से आपने इसको मैच करना। तो फर्स्ट है जयपुर, तो जयपुर हमें पता है दैट इट इज़ अ कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। आफ्टर दैट खेजड़ी, तो हमें पता है खेजड़ी इज़ अ विलेज नियर द जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके विश्नोईस, विश्नोईस क्या है, अ कम्युनिटी प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हमने विश्नोईस को मैच किया है प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है जोधपुर, तो जोधपुर हमें पता है एक सिटी है जो कि राजस्थान में है, तो हमने फोर्थ को सी के साथ मैच किया है, ठीक है, जोधपुर सिटी इन राजस्थान, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका मैच हुआ है बी के साथ, सेकेंड वाला डी के साथ, थर्ड को हमने मैच किया है ए के साथ, एंड फोर्थ वन इज मैच विद द सी ऑप्शन। सो इसी के साथ आपकी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, ठीक है। बाकी जो भी है आपका, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।